बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना को इल्म भी नहीं था कि उनके पैरों तमिल तले कारपेट खिसक गई, कुर्सी निकल गई और तख्ता पलट करने वाले आर्मी चीफ। क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं। देख रहे हैं लोग सड़कों पर निकल आए, भारी भीड़ सड़कों पर निकल आई, प्रदर्शन करने लगी, हाथों में लाठी डंडे आप देख रहे हैं। ये है भीड़ जो सड़कों पर आई। महिलाओं को डंडे से पीट रहे थे, ये उत्पात मचाया है। सबसे पहले लाखों की भीड़ बताया जा रहा है, 4 लाख 5 लाख लोग ढाका की सड़कों पर आकर उत्पात मचा रहे थे कि महिला को पीट रहे। अब इस भीड़ ने देखिए अगला काम क्या किया, इस भीड़ ने बस में आग लगा दी, वाहनों में आग लगा दी, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी, जो मिला उसमें आग लगा दी, उसे फूंक डाला है। ये हालात बांग्लादेश के हो गए। एम्बुलेंस तोड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली है एम्बुलेंस में। ये देख रहे हैं, ये आग लगाई है बसों में। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद सेना सड़कों पर उतरी, टैंक लेकर उतरी, सेना के हाथ में बंदूकें, फायरिंग शुरू हो गई। उसके फौरन बाद देखिए जरा, फायरिंग हो रही है, लोग मौजूद हैं और सेना गोलियां चला रही है। ठीक था, ये जो उपद्रवी आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेशियों को आप जो देख रहे हैं, ये सेना के साथ शामिल है। ये भीड़ जो सेना के टैंक के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चल रही है, बांग्लादेशी सेना गोलियां चला रही है। अब सोचिए बांग्लादेश में ये हालात थे। शेख हसीना को पता चला कि 5 लाख की भीड़ उनके घर की तरफ बढ़ रही है। शेख हसीना ने फौरन भागने की तैयारी कर ली कि अब बांग्लादेश और ढाका छोड़कर जाना है। शेख हसीना निकली है, देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की तस्वीर, घर से निकलकर सीधे उन्होंने हेलीकॉप्टर पकड़ा, गाड़ी आपको नजर आ रही है गोल घेरे में। शेख हसीना हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही है, ये बांग्लादेशी सेना का मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, इसी हेलीकॉप्टर में शेख हसीना सवार हुई, गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के साथ फौरन